हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। सो आपके CSEET के एग्जाम के लिए जो है अनाउंसमेंट आया है। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट जो एग्जाम आपको हुआ है, CSEET का जो टेस्ट हुआ है, रिमोट मोड के थ्रू हुआ था, राइट? तो इस टाइम पे भी जो है, जो अभी आने वाला, जो नवम्बर में, 21 नवम्बर को जो एग्जाम होने वाला, जो टेस्ट होने वाला है, वो भी बेसिकली रिमोट थ्रू होगा। ठीक है, रिमोट प्रोडक्ट मोड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, आप घर में रहकर कर सकते हैं। ठीक है, और सभी को पता होगा कि कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव टेस्ट जो है ICSI ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बेसिकली फाउंडेशन जो प्रोग्राम पहले होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अभी अगर आपको CS करना है तो ये टेस्ट जो है पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड अगर बेहतर जानकारी चाहते हैं CS से रिलेटेड, आप इसी चैनल में CSEET का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनाउंसमेंट की। इंस्टीट्यूट ने बताया है कि रिमोट प्रोडक्ट मोड के तरह होगा, मतलब ऑनलाइन होगा जो सैटरडे को होने वाला CSEET का एग्जाम है। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली कैंडिडेट जो भी है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप का केवल यूज करिएगा, कोई भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो ये पोर्शन है, इसमें 4 पोर्शन जो दिए गए थे, 4 पोर्शन बेसिकली 5 पोर्शन थे, उसमें जो है वाइवा वाला पोर्शन भी था। ठीक है, सो रिमोट मतलब ये ऑनलाइन होने जा रहा है। सो जो वाइवा वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो इसके उसके हिसाब से जो है, जो आपके मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो गए। ठीक है, सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा है, वाइवा वाला जो क्वेश्चन मतलब पैटर्न है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एंड MCQ बेस्ड आपको पता होगा 140 क्या बोलते हैं, 4 जो है जिसके आंसर आपको रहते हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, 120 मिनट्स का जो है ये बेसिकली एग्जाम होगा। ठीक है, एंड किस किस से कैसे क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स जो है किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, देन इंस्टीट्यूट बोलता है कि कंडक्टिंग CSEET थ्रू रिमोट मोड इज गिवन एन अटैच आर एलिजिबल कस्टमर्स और माय प्लान एक्टिविटीज प्लान फॉर अवेलेबिलिटी लैपटॉप डेस्कटॉप टेक्निकल रिक्वायरमेंट मेंशन। ठीक है, सो कस्टमर ICSI ये कहता है कि अपना एडमिट कार्ड जो है आपको 10 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, आइदर आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, और जो लॉग इन क्रीडेंशियल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हैं, वो भी आपके मेल के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मेल नहीं मेंशन किया गया है, बट जो लास्ट टाइम पे हुआ था, मेल के थ्रू ही कैंडिडेट को उनका क्रेडेंशियल मिला था, जिसके थ्रू लॉग इन और पासवर्ड जो होता है, जिसके थ्रू से आप लॉग इन कराएंगे, आपके डिटेल्स रहेंगी, आपको जो है प्रॉपर करना है। ठीक है, रेस्ट जो है इंस्टीट्यूट आपको बताता है कि आपको अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की अवेलेबिलिटी चेक करना है। नेटवर्क आपको पता होगा 3 to 5 MB के बीच में होना चाहिए, लाइक मतलब जितना फास्ट हो सके आपके लिए बेहतर है। ठीक है, एंड ठीक है, तो यही जो है अभी तक का अनाउंसमेंट है। ठीक है, सो अगर आप CSEET पेपर दे रहे हैं और नवंबर में है आपका, ठीक है, सो प्रोडक्ट मतलब ऑनलाइन मोड होने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है नहीं कर पा रहे थे अपना, मतलब नहीं दे पाए थे, फर्स्ट डे को नहीं दे पा रहे थे, सो इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट किया कि नेक्स्ट डे को भी दे सकते हैं। ठीक है, बट अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, आगे रहता तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। उसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है अगर आपको कंटेंट सही लगता है, एंड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रहा है, CSEET आया है तो कितने चेंजेस आए हैं, फाउंडेशन हट गया है कितने चेंजेस आए हैं, CSEET आया है तो कितने चेंजेस, कितना सरल या फिर टफ हो गया है CS करना। ठीक है, सो इसी की तरह जो है आपको जैसे भी सही लगता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ICSI पे। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो है आपको अपडेट मिला होगा, एंड आगे भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया।